भाई साहब आराम से आना यहाँ पे, बैग भी बड़ा हो गया हमारा। और वही रास्ता हमने वहाँ से जाना, जो ये रास्ता है यहाँ से, यहाँ से नीचे कतई, और थोड़ा सा ऐसे होए, सारा जला पड़ा, सारा आग लगी थी ना कुछ दिनों। सो हे गाइस, क्या हाल, होप सो बढ़िया और मैं मस्त हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी कैंपिंग की होने वाली है। सबसे पहले यार देखो, आप कैंपिंग करने जाते हो ना, तो यार कैंपिंग ना लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। गाड़ी में गए, उतरे और लगा दिया वहीं पे बगल में कैंप। बट यार जब तक एडवेंचर ना हो ना, मतलब बैग भारी भारी और चढ़ाई, हालत ख़राब, तब तो मज़ा भी नहीं आता यार। अब ऐसी आदत पड़ चुकी है। तो वीडियो में बने रहे ठीक है, और इस कुंडू वाले जंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई साहब कतई बवाल चीज़ है भाई। इस जंगल में भाई इतने मतलब पुराने पुराने पेड़ है ना, हमारे भाई हमसे डबल भी इंसान आ जाए ना, वो उन पेड़ों के अंदर समा जाएगा, पता नहीं उनके कितने डबल। तो अभी काफ़ी आगे तक जाना हमने भाई, लोकेशन एक नंबर दिखाऊंगा। तो वीडियो बना रहे, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरी जान। तो गाइज ये पेड़ देखो भाई साहब, किसने ऐसा खोल रखा है ये पेड़। पूरा आदमी समा जाएगा इस पेड़ में नीचे से, देख रहे हो भाई, खतरनाक सीन है। तो जी अभी हम चल ही रहे थे, और ये देखो तार, जहाँ तक मुझे लगता है ना ये किसी जानवर को फंसाने के लिए बिछा रखी होगी ये तार, पकड़ा है सूअर वगैरह जो भी कुछ भी। तो काफ़ी पुराना तार है, जंग पकड़ गया ये देखो ठीक है, या फिर किसी ने मस्ती मस्ती में भी लगा रखा होगा। तो अभी आगे चलना है, मस्त वाली कैंपिंग लोकेशन देखनी है, और ये जंगल देखो कुछ इस तरीके से भाई। यहाँ पे ऐसा जंगल है ना भाई साहब, अगर आपको ना रास्ता पता नहीं हो ना भाई, इधर से ना एक रास्ता देखो यहाँ से जा रहा है ऊपर को ठीक है, और एक वहीं से नीचे को जा रहा है, लग रहा है एक ही रास्ता ही है, ऐसा लग रहा है उसी रास्ते जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि हम किस रास्ते से आए ठीक है, तो हमें पता है। तो भाई साहब सोलो कैंपिंग करना भी बहुत रिस्क भरा होता है ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगता हो ना कि हम वीडियो बनाते हैं, वहाँ पर कैमरा रख दिया, विनाश जा रहे हैं, लेकिन भाई जो हालत ख़राब होती है ना जंगलों में, मैं बता नहीं सकता, आप समझ जाओ बस। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे लोकेशन पे आ रहे हैं हम, बड़ी खतरनाक वाली। ओ भाई साहब ये चेक करो, ओ भाई, और बैग हमने वहाँ पे छोड़ रखा है, वो देखो कैसे चट्टान है वहाँ पे, देख रहे हो वो दिख रहा होगा आपको बैग, ये साइड में इधर 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 इधर, और वही रास्ता हमने वहाँ से जाना, जो ये रास्ता है यहाँ से नीचे, वहीं से जंगलों की तरफ फिर जाना हमने उस चोटी पे, ये चोटी दिख रही है जो आपको। तो गाइस काफ़ी देर चलने के बाद, तीन चार पहाड़ टपने के बाद, अब हम बड़ी प्यारी लोकेशन पर पहुँच गए यार, बड़ी मस्त दिखा तो मैं। ये सामने पीड़ी का पर्वत है, उसके ठीक अपोजिट में, और ये देखो मांझावर मंदार इस साइड को है, और ये हमारा गांव कुछ लोग इस साइड को नीचे, ये नीचे। तो जौन से लोकेशन पर भी हम है ना, इसे सावा की झंडी बोलते हैं शायद, क्या मैं सही बोल रहा हूँ आप कमेंट में बताना। तो गाइस ये देखो ये उखलियारी है, देख रहे हो
पता नहीं कौन से जमाने के खिलाड़ी है भाई साहब। इसमें शायद भूसा वगैरह जमा होता है नहीं? जब मतलब नीचे गांव की फसल कटती है ना, तो यहाँ पे भूसा जमा खुद ही हो जाता है, ये मान्यता है। ये यहाँ की है या फिर एक दूसरी, ये खेत साइड पे भी है सेम, वहाँ पे भूसा ना उल्टी हो, उल्टी उखली है वहाँ पे उखलियारी। लाओ भाई चावल कूटते हैं अभी। डिजाइनर बन रखा है अंदर अंदर, इसे दबाने से अगर खुल जाए सिम सिम। तो खैर भाई साहब, अपने इलाके में ना ऐसे ऐसे रहस्यमय जगह, पर्वत, मंदिर है ना, मीन्स अनएक्सप्लोर। तो आज रात यहीं रुकते हैं, यहाँ पर खत्म रखे हैं साइड को। ठंड लग रही है, टोपी भी खुद ही पहने में आ रही है भाई, हवा चल रही है बहुत भयंकर देख रहे हो। तो एक जगह को थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं, जगह को अनसीन ना, नेचर के साथ जुड़े हो यार आप, और ऐसे ऐसी जगह दिखाने में तो खैर हम दिखाएंगे आपको। ओम फो कतई जय माँ पेड़ी की भराड़ी, कतई। और थोड़ा सा ऐसे होए 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 होए, सारा जला पड़ा, सारा आग लगी थी ना कुछ दिनों पहले यहाँ पे। तो ये देखो इस साइड काला सा हो रखा है, उस साइड ठीक है, जहां तक आग लगी थी ना वहां तक काला। तो गाइस अपना कैंप भी लग चुका है, ये देखो कुछ इस तरीके से, और ऐसी जगह पे, और ये कुछ इधर का नज़ारा, और ये यहाँ पे अपना खाना बन रहा है। यार बहुत से लोग बोलते ना कि मैगी 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 मैगी, बट क्या करें यार, एक तो पहले इतनी चढ़ाई कर चढ़ चढ़ के थक जाते हैं, और फिर एक जल्दी से वो खाना चाहिए होता है, तो सबसे जल्दी खाने का यही है मैगी। इसमें वेजिटेबल वगैरह सब कुछ डाल दिया, बस एक उबाल फिर हड़प। तो ये बन रही है मैगी। तो गाइस ये है कुछ अपना खाना, ये हो रहा है यहाँ पे सर, मैं तो खूब बन यार। ओम फो कतई, मैगी का मजा तभी आया जब उसमें ना ग्रीन वेजिटेबल, लाल गाजर, मस्त सोप चांदो।
तो गाइस अपना कैंप भी समेट चुका हूँ और बैग पैक कर लिया। तो अभी आपने ड्रोन शॉट देखा था भाई साहब, यहाँ पे इतनी भयंकर आवाज़ चल रही है ना, ड्रोन भी आया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था वो। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मैगी वैगी खा के, और इस रास्ते से निकलना हमने। ये देखो धक्का लगना रहेगा भाई साहब, आराम से आना, यहाँ पे बैग भी बड़ा हो गया हमारा।